देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है, तो वहीं इन जिलों के संवेदनशील कुछ इलाकों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में कानपुर के भी 12 इलाके रेड अलर्ट घोषित किए जा चुके हैं, जिसको देखते हुए आज जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी और SSP अनंत देव तिवारी के साथ जिला मजिस्ट्रेट की टीम लेकर सभी लोग बाबूपुरवा के मुंशीपुरवा पहुंचे, जहां पर पूरे इलाके को बैरिकेडिंग लगाकर सील किया जा चुका है। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां की गई है, इन सभी तैयारियों का जायजा अधिकारियों ने लिया। वहीं कुछ अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें भी तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने की बात की गई है। जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि अगर उनकी तबीयत खराब लगती है तो स्वयं आकर अपनी जांच करा ले। वहीं लोगों को खाने पीने की सुविधा में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए डोर टू डोर खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। थाने स्तर से सब्जी और फलों के ठेले को थाने के माध्यम से व्यवस्था की गई है, जो हर इलाके में भेजे जाएंगे। वहीं ये भी बताया गया है कि पूरे इलाके को लगातार सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस होती है तो तत्काल प्रभाव से अपना चेकअप करा ले। सरकार के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। देखिए, जो 13 हॉट स्पॉट्स हमारे मिले हैं, जो अगल बगल के थाना क्षेत्रों के आधार पर जिनको 7 जोन में हमने बांट लिया है, इन्हीं जो हॉट स्पॉट का आज जो है मैं DIG साहब, ADM सिटी और टीम के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ उसका क्या तैयारियां हैं, लॉकडाउन का क्या असर रहा है, उसका फीडबैक और जायजा लेने के लिए मुआयना कर रहे हैं। तो इन सभी जगहों पर लॉकडाउन का पूरी तौर पर अनुपालन हो रहा है, और इसका उद्देश्य है कि जो लोग भी कहीं इनके कांटेक्ट में आए रहे हैं और वहाँ पूरा कांटेक्ट ट्रेसिंग इंटेंसिव लेवल पे करते हुए, क्योंकि हमने पहले डोर टू डोर सर्वे भी कराया है, सैनिटाइजेशन कराया है, लेकिन इस प्रक्रिया को हम चालू रखेंगे। ज़्यादा लोगों का हम परीक्षण करा रहे हैं और शासन द्वारा इसके कंटेनमेंट के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उन सबका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, जो हॉटस्पॉट चिन्हित जगह है, इन जगह जो दवाइयां, मेडिकल सुविधा हो गई, दूध हो गई, ब्रेड, खाने पीने की सामग्री, सर कैसे आएगी? ये सब डोर टू डोर डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित कराई गई है। सभी जगहों पर जो है होम डिलीवरी के वैंस, यहाँ तक कि सब्जी के लिए ठेला ठेलिया इत्यादि भी चिन्हित करके रखे गए हैं। थाने को पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी, जिसको सबको नंबर दिए गए हैं, थाने के, थानेदार के, एस्टेंस के लोग, सिविल डिफेंस के लोगों के माध्यम से भी, तो डोर टू डोर जितने घर हैं सबको चिन्हित किया गया है, उनके प्रशासन टच में बना हुआ है, जिसकी जो भी ज़रूरत है सबको नंबर भी पहुंचाए गए हैं, उनको उसके माध्यम से सारी ज़रूरत की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहां तक कि यदि उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ रही है उसके लिए एम्बुलेंसेज की व्यवस्था भी ऑन कॉल की गई है, HLS और एम्बुलेंस की व्हीकल्स भी उनके हेल्थ केयर के लिए तत्काल हैं, और टेलीमेडिसिन की व्यवस्था हमारी चालू है। सर, जो सामाजिक सेवा जो सर संस्थाएं जो खाना पहुंचाने का काम कर रही थी, क्या उन पर भी लगाम लगा दी गई है? देखिए, इन सारी क्षेत्रों में जो है, चूंकि बाहर के लोगों को आना और यहाँ के लोग बहुत बाहर जाने पर काफ़ी प्रोटोकॉल के अनुसार जो पाबंदियाँ लगती हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है। हम प्रशासन के माध्यम से जो संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, प्रशासन उनका सहयोग लेते हुए थाने के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उसकी व्यवस्था करा रहा है। धन्यवाद।